गए। कम इन सर। कम इन रमेश। सर, जीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले कॉरपोरेशन के इंजीनियर को मारने की धमकी दी गई है सर। उन्होंने जीके के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। हमारे डिपार्टमेंट को हमेशा अंगूठा दिखाने वाला जीके अब हमारे जाल में फंस गया है। रमेश सर, गो एंड टेक इमीडिएट एक्शन। यस सर। जीके कानून की नजर में बहुत कूल तरीके से सिगरेट की तरह आराम से राज्य को खोखला कर रहा है। ये एक ऐसा एमपी है जो स्टेट से लेकर सेंट्रल तक के सभी पॉलिटिशियंस को अपनी जेब में रखता है, और ये है इसके दोनों साथी, इसके हर इलीगल बिजनेस के एक्टिव पार्टनर। ये है जीके का छोटा भाई नानू। ये तीनों जीके की जान है। पता है इस जन्मदिन में आपको जो खुशखबरी देने वाला हूँ वो क्या है? मेरा भाई नानू बहुत जल्द राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाला है। जिस तरह मुझे इज्जत देते हैं उसी तरह इसे भी इज्जत देंगे। जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। तेरे बाहर जाते समय बिल्ली मेरा रास्ता काटे तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन पुलिस वाला मेरा रास्ता काटे। गवर्नमेंट की जमीन को कब्जा करके आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसे रोकने के लिए सरकारी ऑर्डर है। जिस इंजीनियर ने आपके इलीगल काम को रोकने की कोशिश की उसे आपने मारने की धमकी दी, इसलिए आपको थाने चलना होगा। नाम क्या है? इंजीनियर सुभाष कुमार। तेरा नाम? रमेश। तू मेरी गाड़ी में आएगा या मेरी गाड़ी को फॉलो करेगा? आपकी गाड़ी में चलूंगा। कंप्लेंट देने वाला इंजीनियर, ये कैसे हो गया मेरे भाई? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? नाम क्या है? रमेश। स्टे लगवाने वाले मंत्री का नाम? श्यामला। ओ, मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करूंगा। मैं एक जगह कॉम्प्लेक्स बना रहा था, आप उसे इलीगल बता रही हैं। आप लीगल का नोटिस दे देंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे। वो लैंड सोशल वर्क फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है, वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता। सोशल सर्विस? तुम औरतों को 33% आरक्षण देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। औरतें केवल चूल्हा फूकने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है। मैं नहीं दूंगी, हो नहीं सकता। श्यामला, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ, मुझे एनओसी चाहिए। मैं आपकी धमकियों से डरकर आपका काम नहीं करूंगी। तुझ में जितनी ताकत है वो लगा ले। 2 मिनट में तेरी कुर्सी गई, फिर घर पर बैठकर फैमिली के साथ सास बहू देखना, एक नंबर टाइम पास। हटा दिया गया है, अब वो पदवी मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों में रखेंगे। ये सूचना हमें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली है। आगे के समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कंप्लेंट देने वाला इंजीनियर नहीं रहा, परमिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई। तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ रहा है। इतने सालों के पॉलिटिकल करियर में किसी ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की, और ना ही किसी पुलिस वाले की मेरी चौखट तक आने की जरूरत थी, और तू मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहा था। I hate police. Hey DGP, GK, हैदराबाद का बादशाह, यहाँ मेरी हुकूमत को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम्हारी ये जीत परमानेंट नहीं है, आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा होगा। गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम्हारी ये अदा पसंद आई? तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे जाबाज पुलिस वालों में कितनी मर्दानगी है ये मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम में से एक तो होगा जो मेरी बराबरी का होगा।
एसीपी कल्याणन टीम हैव एंटर्ड द फॉरेस्ट। होम मिनिस्टर लाइन पे बात करो। करता हूँ ना भाई। मिनिस्टर जी। बोलिए मंत्री जी। अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है, तुम तो वहाँ आराम से एसी में बैठे हो और मैं यहाँ जंगल में फंसा हूँ। इनकी मांग जल्दी से पूरी करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। इन्फॉर्मेशन मिली है, पुलिस वाले आ गए। कमीने पुलिस को बुलाता है तेरी तो। पोजीशन ले लो, उस तरफ जाओ। सर अंदर कोई भी नहीं है। ए, पुलिस बाहर आ जाओ वरना इसे खत्म कर देंगे। अबे तुम लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो या बच्चों की तरह आग पिचोली खेलने आए हो? माय डियर किडनैपर्स, कैसे हैं आप लोग? जनाब जेपी साहब, एसीपी कल्याण सिन्हा। जेपी जी आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराऊं नहीं तो क्या करूं, पागलों की तरह अकेले आए हो ताकि मेरा यहाँ अंतिम संस्कार देख सको। गन कहाँ है? कैच इट। आइए जेपी जी, मिशन कंप्लीट हो गया, अब आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। अरे बाप रे, तुम्हें अकेला देखकर डर गया था लेकिन तुमने सबकी बैंड बजा दी। मेरी जान बचाकर तुमने कमाल कर दिया। मैंने आपकी उम्मीद से अच्छा काम किया है, अब मेरा भी एक काम करना होगा। कैसा काम? आईपीएस पास करने के लिए बहुत तिकड़म चलाई है मैं। मेरा एक अर्जेंट प्रमोशन करवा कर हैदराबाद पोस्टिंग करवाई है। यहाँ पर गोलियाँ चल रही है और तुम्हें अपने प्रमोशन की पड़ी है? वो सब नहीं होगा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं होगा, नहीं होगा। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्यों धक्का दिया? अरे अरे क्या कर रहे हो भैया, तुम मुझे यहाँ से जिंदा ले जाने आए हो या मेरी डेड बॉडी को कंधा देने आए हो? सॉरी सर, आपको जान चाहिए और मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए। चलिए पहले फोन लगाइए। तुम पुलिस वाले हो या अपोजिशन वाले हो? नायक साहब मैं जेपी बोल रहा हूँ, आपने जिस पुलिस वाले को भेजा है वो मुझे बचाने की बजाय लेट डूबेगा। उसे तुरंत प्रमोशन देकर हैदराबाद में पोस्टिंग करवा दो। हाँ हाँ बेटा मैंने बोल दिया है, अब चलें। वो क्या है, फोन की बातों पे मुझे भरोसा नहीं है। ट्रांसफर की फैक्स कॉपी MMS से इस फोन पे भेजने के लिए कहिए, फिर आपको बचा लूंगा। तेरी हरकतों को देखकर लगता है नक्सलियों से बड़ा दुश्मन तो तू है, उनसे बोल जल्दी MMS भेजें। मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है सर। कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और तुझे ये छोटा सा काम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। प्रमोशन लेटर का MMS जल्दी भेजो सर। MMS आ गए। अब तुम तुरंत हैदराबाद जाकर अपना फर्ज निभाओ बेटा। इसीलिए तो ट्रांसफर लिया है सर, किसी की लाइफ से खिलवाड़ करना है। सुनो अंकल, आपका DGP कहाँ है? वो देखिए आ रहे हैं। ये महाशय कौन है? यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने आए हैं सर। सीनियर ऑफिसर को देखते ही तुम्हें सैल्यूट करना चाहिए, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? गुस्सा मत होइए अंकल, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दूंगा, पहले ड्यूटी तो ज्वाइन कर लूं। दिस इज योर जॉइनिंग ऑर्डर। कौन सा जोन मिला है? अरे वेस्ट जोन है, जुबली एस्टेट, बंजारा हिल्स, माधवपुर, बहुत पॉश एरिया है, मेरी कमाई अच्छी होगी। किस कमाई की बात कर रहे हो? मेरा नाम, ईमानदारी से नाम कमाया जाता है सर। सिंसियरिटी से काम करना। करूंगा सर, ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि भगवान खुद आकर मेरी पीठ थपथपाएंगे। क्या
है ना सर, जितनी सिंसियरिटी से काम करूंगा क्राइम उतना ही कम होगा ना, और भगवान भी खुश होंगे। गुड बाय सर। What do you think I am, a politician or police? Go form a line. मुझसे पहले जो ACP यहाँ आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है, ड्यूटी कैसे करनी है और पुलिस वाले कैसे होते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। Am I clear? Yes sir. Say it loud. Yes sir. Let's take the pledge. Sir, sir, sir. Hey Ishwar. Hey Ishwar. आज के दिन से. हम अपनी सोच और फर्ज को जनता और अपनी भलाई पर न्योछावर करेंगे और जनता की जेबें खाली करेंगे। Come on! जनता की जेबें खाली करेंगे। अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंधे वाले को अपनी मुट्ठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे। पेट्रोलिंग क्रिमिनल चेसिंग ये सब रिस्क उठाए बिना फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे। हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उछलेंगे। अरे इतने इमोशनल क्यों हो गए, तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या? नहीं, आप जैसे ऑफिसर मिलते कहाँ हैं सर? यहाँ पर जितने भी ACP, DCP आते हैं सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं। हमारे राज्य में हम जैसे CI, SI तो पूछता कौन है सर? आपने हमें जीने का एक रास्ता दिखा दिया सर। आप इस कलयुग के मसीहा हैं। हम फरिश्ता बनकर आसमान से जमीन पर प्रकट हुए देवता हैं सर। मसीहा हैं सर, आपके लिए खूब आएंगे। श्री सूर्य कल्याण नमस्कार। हम कैसे जिएंगे यार, मुट्ठी भर तो सैलरी मिलती है, जेब भरने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपना सपना पराया माल। अपना सपना पराया माल। बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? ऐसा स्वागत लाइफ में कभी नहीं हुआ था। आ गया हैदराबाद का नया नवाब, 24 कैरेट का 420 बाबू, स्टेशन को बैंक बनाए तू, अंडर कवर कैशियर है तू। क्या बात है मियां? तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो, इस शहर के हर पॉश एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, कंफर्टेबली क्राइम करना। लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलिस भाइयों को देना। सर, एक ड्रामा बंद कर। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी से हमें क्या फायदा होगा? कितने भोले हो तुम, कोई फेसबुक पे बताता है कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ और वो चेन्नई के लिए उड़ जाएगा। उसके जाते ही घर साफ कर दो। वाओ! कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट भेजो, पूछो कि उसका शोरूम कब बंद होता है, फिर वहाँ हाथ मारो। ओ ग्रेट, तरक्की के रास्ते पे निकल पड़ो। गॉड ब्लेस। दूसरा रूप है हमारे पांडे भैया, आ रही है हिच हिच कोले, पार लगा दो अपनी नैया। ए रुक रुक, कहाँ जा रहे? वाह रे वाह, अरे ड्राइवर का है, दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ पांडे जी, ऑटो वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा, कार वालों से मांगो जल्दी रईस हो जाओगे, जाने दो उसे। श्री सूर्य कल्याण। ड्रामा बंद कर यार। कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? सॉरी, आपका नाम? श्रीवाणी, नाइस नेम। बोलू क्या?
कल्याण। बाय। पांडे जी, कुछ सोशल वर्कर्स हमारे रेवोल्यूशन को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है वो? हेलो, हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं, इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये पूछधारी जंगू, मैं पूछधारी मंगू, हर हाल में विरोध करेंगे। आप इसी तरह से सेटलमेंट करते जाओगे तो हमें सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी। एसीपी को हटाओ, रियल एस्टेट को बचाओ। एसीपी को आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, उस एसीपी को हम हर हाल में हटा के रहेंगे। भाग मिलकर भाग। अथाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणीन स्वयं। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणीन। आप ये गीता का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तुम जरा अपनी प्यारी वैन को 360 डिग्री घूम कर तो देखो। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? 108 किसका नंबर है? इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाता है, किसी भी हालात में टाइम पर पहुंच के मरीजों की जान बचाता है। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट है 801। हमारे खिलाफ जाने वाले की मरम्मत होती है, कंप्लेन करने वालों की बत्ती सी निकालते हैं। एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा गाड़ी को रखेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम्हारी हालत तो फटीचर जैसी हो गई है। उससे भी बुरी हो गई है। सर, आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डंडे से कमाल कर रहे हैं। कुछ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब तो ईश्वर के लिए। काम जालिम का और नाम ईश्वर का। तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई। उससे भी बुरी। हमारे जैसे टोपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग हैं सर। एसीपी गार्ड को छोड़ो। अरे यार, उसे तो हटाना ही होगा। ये कौन है? बेचारी औरतों पर लड़कों का जुल्म। छी 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 छी। लड़कियों की मांग है कि शराब को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। एक क्वार्टर ब्रांडी देना भाई। क्या? ब्रांडी और विस्की देना, जिन, बियर और वोडका। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। सोडा नहीं लोगी? जरूरत नहीं है। ये पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दौड़ाया था। बोलो बोलो। बताता हूँ दीदी। ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए था रखा। अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया? हम लोग न्यूज़ पर ध्यान देते हैं ना। हाँ, तुम बोलो बोलो। इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है और झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी 5 रिपोर्टर। हाँ? और उसका साथ दे रहा है कैमरामैन। रघु, तो इतने रोमांटिक तरीके से सवाल पूछती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पी के मुझ पे अटैक कर रहा है। ए, तू उस दिन प्यार से बात कर रही थी और आज पिला कर भाव खा रही है तू। हाँ, ये हमारे पीछे क्यों लग गया? आएगा ही, देसी पीने वाले को इंग्लिश पिला दी। ये लो वो लो और फिर रोमांटिक तरीके से पूछती हो। देखा ना क्या होता है इससे। हमारे पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल। इस शैतान से अब हमें कौन बचाएगा? हमारे भगवान। तो फिर शुरू हो गया। पांडे जी, आप हमारे लिए भगवान हैं। हमारे बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल से कॉर्पोरेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। माधोपुर में डुप्लेक्स बुक किया है, बढ़िया एरिया है, एडवांस भी दे दिया है सर। वेरी गुड। माँ बहुत खुश है, पिताजी ठीक हो गए, छोटा पढ़ाई कर रहा है, बहन की मंगनी हो गई, सब आपकी दया से है सर। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर आप, तुम सब तो खुश हो ना, तो मुंह क्यों लटका है? आपने हमारी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन आपकी खुशी? आप एक अच्छी लड़की से प्यार कर लो ना। कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे वो हम पे छोड़ दो। फ्रेम में मंडप सजा हुआ है और एक खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है। अरे भाई, आपके वचन सच हो गए। अरे सॉरी सर, नमस्कार सर। ए अब आ रहा हूं, दिखाता हूं तुझे। मैं तुझे नहीं छोडूंगा। रुक गया, चल यहां से भाग जा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अयो, वो चला गया, चलो ऑफिस जाना है। तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए, वरना कोई हमारे। ये क्या दूबे जी था? मुझे इस हूर और लंगूर का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। वो हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पांडे जी? ऑलमोस्ट मेरे सपनों की रानी। अरे तो फिर काम बन गया सर। अच्छा, मेरी हमसफर यही होनी चाहिए। मुश्किल है सर, वो प्रेस वाली है, आप पुलिस वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अच्छा,
सब लोग आ गए हैं ना? हाँ आ गए हैं सर। TV9, UTV, NTV, मेरा चैनल कहाँ है? ये फैन अचानक बंद कैसे हो गया? दुबे जी, मैं भी आपका फैन हूँ सर। ये बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? तो मर्डर सो रहे हैं, उनके बारे में कहना है क्या? आवारा गर्दी के बारे में, रैकेट के बारे में, नेताओं के बारे में, नेक्स्ट लाइटों के बारे में, रेप के बारे में। दुबे जी, जो स्टॉल में बैठकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं ना, उन्हें बालकनी में बैठा। अरे बताइए ना सर। अरे बताओ ना, यहाँ पे क्या भुजिया खाने नहीं बुलाया? सारे मर्द पीछे जाओ, और औरतों को आगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जैसे बस में होता है वही कॉन्सेप्ट है। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? हमेशा जीन्स टी शर्ट में रहती हो या साड़ी भी पहनती हो? ये सवाल आप इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? शादी के बाद जॉब छोड़ दोगे क्या? क्या जरूरत है पांडे जी, आपका हाथ बटाने के लिए ये बेचारी सर्विस करती रहेगी। अच्छा सर, पर्सनल मीटिंग नहीं प्रेस मीटिंग है। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे माइक की इज्जत नहीं है, हमें फालतू बुला लिया। ये भागवत गीता कहाँ से सुनाई दे रही है? अरे कहाँ से सुनाई दे रहा है? प्रेस वालों के साथ कुछ मत करना, वरना 100 की सब्जी और 500 का मसाला हो जाएगा। प्लीज सर, प्लीज। ओके, माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, आपके लिए ताजा खबर है। कल ही छत्तीसगढ़ के हमारे पुलिस कांस्टेबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरिज कर बैठे। इसे न्यूज कहते हो? लगता है टाइम पास कर रहे हो। पांडे जी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की घटना से इंस्पायर होकर वो एक लेडी जर्नलिस्ट से शादी करना चाहते हैं। प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉम्बिनेशन रहेगा। आप में से जो भी लेडी इंटरेस्टेड है वो सर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे, वो सोचेंगे नॉट इंटरेस्टेड, जाकर छत्तीसगढ़ में ट्राई करो। कितनी रूढ़ है ये लड़की, कैसी बातें कर रही है। पहले मीटिंग में तकरार होती है पांडे जी, दूसरी मीटिंग अरेंज कीजिए। है ना मिसेस पांडे? अरे सुनो, पर्सनल काम के लिए दोबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना। टाइम बर्बाद कर दिया। छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, वेरी स्मॉल थिंकिंग। सबको आड़े हाथ ले रहा है दुबे जी। पोंगी बजाएंगे सर। उस एसीपी का कब तक इंतजार करेंगे? कितना टाइम हो गया, अब तो भूख लगने लगी है। मीटिंग स्टार्ट कीजिए ना। मीटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा, जिसके लिए मीटिंग रखी है वही अभी तक नहीं आया है। कहाँ है वो? आज आपको किसने बुलाया अंदर? यहाँ क्या कर रहे हो? बीजेपी से शिकायत करने आए हो क्या? अरे घबरा काहे रहे हो, बोलो, इनके खिलाफ कंप्लेंट ही करने आए हैं। लगता है सैटेलाइट से हमारे बुरे वक्त का संदेश आ रहा है। कैसा संदेश? सर आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। कौन सा काम? हमारे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं। आई मसाज और पैसे फ्री, तो फिर मैं पहले जाऊंगा। दोबारा नहीं करवाएगा तू। अरे कौन सा मसाज है? बा मुलाजा होशियार, एसीपी आ गए हैं। सर मैसूर के महाराजा आ रहे हैं क्या? बुलाओ उसे। आगे कितना लेट करते हो? क्या बताऊं सर, बाहर पुलिस की ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेटल करके आ रहा हूं। देखा देखा, हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटल का मतलब कुछ और था सर, प्याज के भाव सेटल करके आ रहा हूं। मंडी में सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशय? विल यू प्लीज सिट डाउन? श्योर सर। बताइए आप लोगों की कंप्लेंट्स क्या है? अब आपको क्या बताएं सर, रियल एस्टेट के धंधे में चोरों के साथ पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हम कोई केस बनाते हैं, ये वहाँ जाकर सेटलमेंट करता है। ओहो। सर ऐसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, इसे सस्पेंड कीजिए। IPS को सस्पेंड करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमेटी आएगी, इंक्वायरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे। क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर, गीता का श्लोक सुनाकर लोगों को वैकुंठ पहुंचाता है। कहां से आता है, कहां ले जाता है, कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ऑफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी? DCP राव से ही पूछ लीजिए, मेरे खिलाफ कुछ कहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं सर। ये अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हो? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे। चाहे तो ACP विवेक जी से पूछ लीजिए। मैं यहाँ हूँ सर जी। अरे थोड़ी सी मेरी बुराई कीजिए ना। इनकी बुराई करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, खा लेना। हाँ खा लूंगा, खा लूंगा। अब तो आप दोनों समझ ही गए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूं तो भी मुझ पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये बेबुनियाद आरोप है? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं, ये मीटिंग इसीलिए तो है। इस देवता स्वरूप इंसान के आने के बाद ही हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। अरे दुबे जी, पांडे जी, प्लीज प्लीज दोबारा ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए। DGP सर का टाइम बहुत कीमती है, आप जानते हैं ये कौन है? शेर का दूसरा रूप, त्रिमूर्ति का अवतार, धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ।
सच है? हाँ। तो मैं चलूं सर? मुझे लगता है ये महाशय इस शहर में कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। जीके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मिनिस्टर? अरे क्या कर रहे हो, जरा रुक जाओ। इस प्लेट में जीके साहब ने नाश्ता किया है ना? जी हाँ सर। इनका झूठा क्यों खा रहे हो? चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो। सुनो राजा, ना इनके घर में नाश्ते की कमी है और ना ही मेरे पॉकेट में पैसों की। मैं यहाँ झूठन खा के ये साबित कर रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जीके साहब के बदौलत ही हूँ। मालिक वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ जब मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा? क्यों मैं हमेशा गलत टाइम पे बोलता है? हाय मिनिस्टर अंकल। हाय नानू, कौन आया जरा देखो। इस रास्ते में क्या गुंडागर्दी चल रही है? यूनिफॉर्म की बेइज्जती करता है। तूने पुलिस वाले को मारा? राजा तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? डीजीपी के पास कंप्लेंट गई है, मेरे कहने पे मामला सॉरी पे नहीं पड़ सकता है। तुम जरा कहो ना इसे सॉरी बोल दे। तुम क्या पागल पागल हो गए हो? कभी कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए राजा। सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा के तुझे होम मिनिस्टर बनवाया और तू मेरा साथ देने के बजाय मुझसे माफी मंगवा रहा है। दुनिया भर को पछाड़ कर मैंने तुझे मंत्री इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर तू मेरे काम आ सके। बहुत कंफ्यूजन है मालिक, आप वहाँ जा रहे हैं? मैं उन्हें बुलाऊं? भाई एमपी अंकल होम मिनिस्टर, यही सोचकर अगर छोटा गलती करता है तो हमें उसे कवर अप करना चाहिए और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, यही भरोसा रखो तुम पर। फोन 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 लाओ जल्दी, मैं भी करूंगा। सारी डील तुम ही करोगे क्या? सारा काम तुम ही निपटाओगे क्या? मुझे क्या घास काटने के लिए रखा है? मुझे अपनी कुर्सी नहीं संभालनी है क्या? बेटा नानू तू मुझे मार। अरे अंकल मार ना, मार मार मार। जीके तेरे भाई ने होम मिनिस्टर पे हाथ उठाया है, जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है तो पुलिस की क्या औकात है? ये कौन सा बड़ा केस है यार, भड़कने की जरूरत क्या है? मैं नहीं हूँ क्या? तू अपना दिमाग जरा ठंडा रख, मैं अभी उस डीजीपी की तो बोलिए सर। कल रात को दो पुलिस वालों ने मेरे भांजे का रास्ता रोका और उसे बहुत परेशान किया। उन दोनों ऑफिसर्स को दो हफ्ते के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाए। दरअसल आप सस्पेंड करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। डीजीपी, मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक दिन मिनिस्टर बने। उसके बीच में कोई भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे छोटा सा डाउट है, आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? बिल्ली को चूहे से दुश्मनी क्यों है? शेर को हिरण से दुश्मनी क्यों है? शिकार करते करते थक जाता तब भी छोड़ता नहीं। नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृति का नियम है जिसका जैसा स्वभाव। I hate police. क्या करें दुबे जी, तुरंत किसी पार्टी पर रेड मारकर उसकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब में डाल लिया जाए। सर चुप करो यार, कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। आज मौसम कितना रोमांटिक है, मुझे अपनी डार्लिंग से मिलना है। इस वक्त आपकी डार्लिंग यहाँ कैसे आएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। आधी रात को प्रेस वाले यहाँ कैसे आएंगे? अगर मैं कहूँ उस एटीएम पे डाका पड़ा है तब तो आएंगे ना? इस वक्त एटीएम में डाका डालेगा कौन सर? हेलो सर, जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुरताल ही बिगड़ गए हैं। अब डकैती का इल्जाम लगा के कहाँ फंसा रहे हो सर? दुबे इनका इलाज करो यार। इनका इलाज करने के लिए ये दवाखाने में आए हैं क्या? सेंट्रल जेल भेज देते हैं। ए सुना, धुलाई के लिए तैयार हो ना? अब फिर से धुलाई क्यों? कॉल द प्रेस। यहाँ एटीएम में कोई चोरी हुई क्या सर? यहाँ सीनियर के होते हुए जूनियर सवाल करना चाहते हैं। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मैडम को है। आइए मैडम। आइए। ये लोग कब से सुधर गए? और क्या सर, इन्हें एक घंटे पहले 801 में खर्चा मिल चुका है। लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है। चोरों का चेहरा क्यों ढका हुआ है? जबरदस्ती चेहरा ढका है मैडम, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए सर, हम पे इल्जाम लगा के हमारा शोषण करते हैं। तुम भी तो कुछ बोलो ना यार। अरे क्या बोलूं बे, सामने कैमरा है, कैमरा है। एटीएम में क्या हुआ है बताओ? क्या बात है दुबे जी, मैडम गुस्से में? क्यों नहीं होगी, अरे मैडम ड्यूटी कर रही है, गुस्सा तो होगा ही। अच्छा, गुस्सा क्यों हो रही हूँ तुम नहीं जानते? जितना चाहे ट्राई कर लो, नहीं पटने वाली हूँ मैं। ये क्या कह रही है? अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली, ये तो सर पे चढ़ने लग गई। हर लड़की ऐसी होती है, आप पुलिस ऑफिसर है ना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए ना। अच्छा रात में डाका नहीं पड़ा क्या? सुना है कहीं पर ज्वेलरी शॉप लूट गया? वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पे शक है। फ्लैट नंबर 4, हाउस नंबर 104, त्रिचूर नगर, हैदराबाद। इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं।
इसकी दीदी को अलग ही पुलिस का पैशन है, इसलिए एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे शादी कर ली। आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीदी को पटाना होगा। चीजा ने तो झूठ बोलकर शादी की, लेकिन आप तो असल के पुलिस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी जाएगी। चोरी किसी और ने की और माल मुझे मिल गया। दुबे जी, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अरे पांडे जी, छोटी से भिड़ने से बेहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है। ऐसा ही होगा दुबे जी। माही, डार्लिंग माही, ये घर पर तो है ना? कौन है आप लोग? आपकी जो बहन है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतनी हिम्मत हमारी छुटकी से क्या? साहब एसीपी हैं। हाय मैं मर जाऊँ। आइए आइए बैठिए ना। अरे ये क्या, महंगे फर्श पर सस्ता फर्नीचर? दुबे जी बदल देता हूँ। नई शोकेस में पुराना टीवी क्यों है? बदल दो बदल दो। आपका ये गला इतना सूना क्यों है? ये बंगला पुराना हो गया है, जुबली हिल्स में नया ले ले। वो हमारे एरिया में नहीं आता। कोई बात नहीं दामाद जी, आप बैठिए तो सही, आपकी क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप, कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? ए जी क्या हुआ जानू? यूनिफॉर्म में खाना पका रहे, प्रॉब्लम नहीं होता क्या? क्या करूं भाई, मेरी घर वाली को ये यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, तो फिर पहन कर ही पकाना पड़ता है। जानू किचन में मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तुम अंदर आओगी? नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। दीदी आज खाने में क्या बना? दीदी इसे अंदर आने की इजाजत आपने दी? ए चलो निकलो यहाँ से। चुप कर, घर में आए मेहमानों को कोई इस तरह बाहर निकालता है क्या? जाओ उनसे थोड़ी बातें कर। तुम्हारे लिए बेहतर है बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है, मैं ऐसी न्यूज बनाकर अपनी चैनल पर टेलीकास्ट कर दूंगी। कुछ कहो ना दीदी। अभी कहती हूँ दामाजी, किसको धमकी दे रही है रे? तेरे पास तो सिर्फ एक चैनल है, मेरे पास उसके खिलाफ 20 चैनल्स हैं। मैं और दामाजी लाइव रिपोर्टिंग देंगे। मेरी छुटकी झूठी है, मेरी छुटकी धोखेबाज है, मेरी छुटकी का कहा मत मानो, तब क्या कर लोगी? दीदी दीदी इसे रेस्टोरेंट डिनर के लिए लेकर जाऊं? ले जाओ। लेकिन ये आएगी क्या? फैमिली के साथ क्यों नहीं आएगी? कुछ और खाओगे? दीदी सामने इतनी चेयर्स खाली हैं, फिर भी सबको यहीं पे घुसकर बैठना है क्या? सभी लोग नजदीक बैठेंगे तभी मजा है, दूर दूर बैठेंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है, है ना दामाद जी? हाँ दीदी जी। तुम भी ना दीदी। पुलिस अंकल ऑटोग्राफ? वो वाला डायलॉग बोलिए ना जी। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे थर थर कांपने लगते हैं, तो सीधी क्या खड़ी हो, खापो। Hi friends, we are happy to announce most visiting best couple of the year and that is Mr. Kalyan and Mahi. Oh! Most visiting couple? लेकिन मैं तो यहाँ पर first time आई हूँ। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। अरे माही। ओ माय बेबी तुम इस दिल को मेरे चुरा के, ओ माय बेबी तुम जाओगी कहाँ शर्मा के। इतना भाव देने के बाद भी नहीं पलटी, मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है। थैंक्स दुबे जी। उस केस का जो आई डीजीपी, अगर ऑफिस में टीवी है तो उसे ऑन करो। बहुत दिनों से फंसा हुआ जीके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनकर तैयार हो गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुतों ने कोशिश की थी, उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई। मिस्टर जीके इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना है, हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा। उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा, वो एसीपी कोई और नहीं, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अपना ही बेटा है। तुम बड़ी उलझन में फंस गए हो डीजीपी, उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी। गुड आफ्टरनून डीजीपी साहब। स्वीट लीजिए सर। ओ, ये क्यों? जी के साहब के मॉल ओपनिंग की खुशी में। डीजीपी साहब आपके फादर है, ये सब जानने के बाद झूमने लगे हैं सर। अच्छा लेकिन जरा देखो इन्हें, मुंह तो लटका हुआ है, संभल कर रहिए सर, आने वाले वक्त में और कई झटके खाने हैं, तो मैं चलूं सर? सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने, कल्याण सिंह उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाथ आश्रम में पढ़ लिखकर बड़ा हुआ है, उसकी बचपन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं।
वो देखो रॉकेट कैसे गया, देखो 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 लगता है तारे टूट रहे हैं ना। माँ पिताजी आ रहे हैं ना? आएंगे बेटा। क्यों भाभी अभी तक सर नहीं आया क्या? त्योहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो मैं भी करता हूँ मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हो? सुबह जल्दी रिपोर्ट करना। बच्चे के लिए कुछ पटाखे तो साथ में लाते। अरे सॉरी बेटा अभी जाकर ले आए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो माँ अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था। उन्हें कभी मेरी कोई फिक्र ही नहीं हुई। जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी माँ की बदौलत मिली है। तो यही बेट मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ माँ क्या हुआ? आर्मी वालों को भी इन्फॉर्म। पापा पापा मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा चलिए ना। पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, हमें अभी पहुँचना होगा। गुरुनाथ जी सर मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया सर, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ। आप बच्चे के साथ जाइए। बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन मूव। ये जी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन जल्दी नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। आप जल्दी से इसके पिताजी को ले आइए। उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सॉरी बेटा माँ और बच्चे किसी को नहीं बचा। उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुंच पाया। मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था, तभी वो मुझसे रूठकर भाग गया। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आप अपनी जगह पर सही हैं, उसका दुख भी अपनी जगह पर सही है। अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सर। वो आ गया, कैमरा रेडी है ना? माँ टीवी कैमरा परफेक्ट है, तो चलो उसे रेड हैंड पकड़ते हैं। हेलो, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ मिले। बात क्या है? आप भूल गए? हमें याद है इसीलिए हिस्सा देने आए। लीजिए ना सर। सर क्या हुआ, आप ले नहीं रहे हैं? इसे क्या हुआ? ये आजकल योगा प्रैक्टिस कर रहा है सर, आप इसे छोड़िए, ये लीजिए। नहीं चाहिए। नहीं नहीं आपको लेना होगा वरना मैं कट्टी कर दूंगा। लीजिए ना। दुबे जी कैश ले लो और इसका कैमरा। सर आपको कैसे पता चला? ये डे चैनल से कैमरा लेके आया, उसी चैनल का कैप भी पहन के आ गया। उल्लू का पट्टा। सर वैन का काम पूरा हो गया तो ले जाए। नमस्ते सर, मैं श्रीवणी का फादर हूँ। हेलो सर, श्रीवणी का है। ओरे ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। दुबे जी ओपनिंग के लिए आए, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम वसूल में थोड़ा बिजी थे पंडित जी। एक मिनट यहाँ लाओ। ये बच्चे कौन है? अनाथ है बेटा, और मेरी बेटी की तरह हैंडीकैप है। वो चाहती है कि ये भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। सर सर देख रहे हो दुबे जी, इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे निकली। चलो चलो। आईजी साहब काशी से कई अनाथ बच्चों को ले आए हैं सर। इसे बताया, अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना। सर चुप कर। अरे आजकल जब देखो डीजीपी सर मुझे ही ढूंढते फिरते हैं, इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिक्र नहीं है क्या? तुम्हारे पापा तुमसे 2 सेकंड बात करना चाहते हैं। 2 सेकंड बात करने के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। एक बार मेरी बात सुन तो लो। उस दिन हुआ यह था कि देखिए काशी सर, मैं खुद के दम पर पुलिस बना हूँ, खुद के दम पर यहाँ आया हूँ और खुद के दम पर जीके तक पहुँचा हूँ। खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा, बता दीजिए इन्हें। क्या हुआ?
ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना। तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। ये क्या जाने, अपनी छोटी बहन को मैंने इन्हीं हाथों से चिता पर चढ़ाया था। बरसों बाद एक और छोटी बहन मिली है, बरसों बाद खुशियां मिली है। अब दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत छीनिएगा। Cheers! क्लाइमेट बसते भाई। इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मजा आए। आसपास सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इन्फोसिस, इन्फोटेक, रोड पर मिलेंगे बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स। चल मेरे साथ। मीडिया और प्रेस इसमें इन्वॉल्व है, इस केस को बहुत संभल कर हैंडल करना होगा। समय समय पर मुझे अपडेट करते रहना। मुझे क्या इसने बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लेता, मुझे क्या और कोई काम नहीं है? आ जाओ होम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग जी के। सही समय पर आए हो, इंटरव्यू स्टार्ट करो। आपका भाई पॉलिटिक्स में तरक्की करेगा, इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है। बूढ़ों में, विकलांगों में, मुख्य तौर पर महिलाओं में इसके प्रति बड़ी इज्जत है। अभी कुछ बोलिए ना। बिल्कुल सही कहा, इनके छोटे भाई लेडीज पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट की भलाई सोचते हैं। एक दिन ये जनाब एनजी लेक के पास लेडीज के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, उसकी मदद करते हुए। यही तो इनकी खासियत है, जरूरतमंद की मदद करना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब इनकी और क्या तारीफ करूँ मैं तुम्हारे पास आने वाला था। रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया है कि ये इन्वॉल्व है। इस केस को डीजीपी हैंडल कर रहे हैं जीके। अगर मैटर बाहर आया तो मेरा करियर और इसके फ्यूचर की वाट लग जाएगी। अरे छुट्टे पैसे फेंको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना? गेस्ट हाउस क्यों बनाया भाई हमने? एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी। फिर से पागलों वाली बात मत करना। अपने छोटे भाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार। जवान लड़कों को कोई घर में कैद करके रख सकता है क्या? बाहर जाकर रेप करना, मर्डर करना उनका शौक है भाई। कल तुमने क्या क्या गुल खिलाए थे वो जरा झांक कर देखोगे तो पता चलेगा। आज हम पर इल्जामों के बम फोड़ रहे हो। तुम्हें कुर्सी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था। फोन फोन का है मैं। राजा, पहले बताओ इनमें से तुम्हारा जूठा गिलास कौन सा है? मैं कौन था? तुम्हारी जेब का एक खोटा सिक्का है ना? इस तरह के बैड रेपुटेशन वाले ही एक अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। तुम्हें भरोसा है? मुझे भरोसा है। ए छोटे भाई नानू, जरा बोलो सभी भाई और बहनों। सभी भाई और बहनों। बिल्कुल पॉलिटिशियन जैसा, तू पक्का पार्लियामेंट में जाएगा। डीजीपी का कुछ करना जरूरी है, बहुत खतरनाक आदमी है। अजहर भाई, पावर वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। 10 मिनट बात करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना? तो बोलो। दीदी मान गई, जीजा मान गए, अगर तुम भी मान जाओ तो हम चट मंगनी पट ब्याह कर सकते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोच कर कौओं को खिला दूं। पता है जब तुम गुस्से में बात करती हो तुम्हारी खूबसूरती डबल हो जाती है। गो टू हेल। ये क्या बात हुई? मैं खुली बात कर रहा हूँ। और खुली कीजिए, ये तो लड़कियों की आदत है, नखरे दिखाएगी थोड़ा सा ही रहेगी। सच सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाभी कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी। चुपचाप बता दो, ढूंढना तो भारी पड़ेगा। सुनामी स्टार सुभाष। पहली मुलाकात प्रेस मीट में हुई थी, धीरे धीरे बातचीत होती रही, फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए। ओके बायोडाटा बताइए दुबे जी। ये पहले NRI था, कॉमेडियन दिखता है बोल के फिल्मों में चांस मिल गया। चांस देने वाले ने ही बाद में इसकी एक्टिंग देके आत्महत्या कर ली। ये सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहाँ? स्टार्ट कैमरा एक्शन। यहाँ ये धूल है, एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन रोमांस क्यों नहीं है? रोमांस परसों के शेड्यूल में था सर।
प्लान पूरा फ्लॉप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वजह से। मेरे पेट से किसी को तकलीफ नहीं होगा, मैं पूरी मेडिसिन ले रहा हूँ। डायरेक्टर हो डायरेक्टर से फॉलो करो। आदित्य ने ऋतिक को दिलवाया, महेश ने इमरान को दिलवाया, मुझे भी दिलवाओ। क्या दिलवा दो? लिप लॉक। ये क्या यार, कुछ किया ही नहीं और इसकी उल्टियाँ शुरू हो गई। काम मांगने के लिए आगे पीछे करती थी, अब उल्टियाँ कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रोड्यूसर साहब, बताइए क्या बात। आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा, इसलिए वो बिक नहीं रही सर। शट अप। मिर्ची नाम की फिल्म जब रिलीज हो सकती है तो मेरी धनिया क्यों नहीं? फिल्म बेचना आता नहीं और इल्जाम लगाते हो, जाओ। मुझसे क्यों मिलने आए हो? सर वो एराम सुन। हाँ सर। कल रात को मैं ABC फिल्म देख रहा था, उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता। कुछ भी क्या सर, आप तो उनके जूते की धूल भी नहीं है। वो सर आपको डांस से डर लगता है, मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है। इसके एक्सप्रेशन से तुम्हारे एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहे। पैक अप। अरे सुनिए सर, उसकी फोटो तो देखिए ना। कौन है ये पारो? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसने कहा यह आपसे प्यार करती है। आप सच्चाई बता दीजिए, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। हाँ था, यह मौका क्यों छोड़ूं? मेरी गर्लफ्रेंड से तुम क्यों प्यार कर रहे हो? मिस्टर, जानकारी के लिए बता दो, तुम पर चाइल्ड मोलिस्टेशन का दावा ठोक सकते हैं। तूफान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार, सुनामी स्टार सुभाष, वो पारो मेरी है, समझ गए क्या? पैक अप। एक यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरहमी से डील कर रहे हैं सर। इसे फुलाओ। यूथ हीरो हो ना? ब्रीज साथ नहीं दे रही। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं बड़े भाई? उस लड़की को यहाँ बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। वो मनहूस दिन आ जाए क्या? वो तो कला के चला भी गया सर। है? मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। बहुत बुरा किया। कौन है वो? कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता ये है? ग्रीन शर्ट वाला बूढ़ा। ये है बुढ़े खूंसट, एक टांग कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी जवान। एक मिनट, सुनामी स्टार सुभाष। ओह माय गॉड, अच्छा तो आप हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सर। जब भी आप अपने हाथ फैलाकर आई लव यू कहते हैं मैं पागल हो जाती हूँ। उधर एक्टिंग की, इधर वेटिंग कर रहा हूँ। जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, मैटर बता देंगी तो हम FIR रजिस्टर करेंगे। हर डायलॉग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है। ये मुझे फंसाना चाहता है लेकिन ये जानता नहीं कि ये दिल तुझे दिलो जान से चाहता है। पुलिस से घबरा कर तुम हमारा प्यार सैक्रिफाइस कर दोगे? सुभाष आई लव यू, आई जस्ट लव यू। गेट बैक। बाबा बाबा बाबा, क्या सहन शक्ति है सर, यू आर अ रियल हीरो सर। कुत्ते की तरह पिट रहा हूँ, काहे की सहन शक्ति? दिखने में ये मजनू है और ये लैला, बीच में क्या करेगा ये छाला? तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है, समझे कि नहीं? बैक अप। नमस्ते सर। चुप रहे। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, उन्होंने सच्चाई बता दी, अब तुम भी सच कह दो। सच बताऊं? आई हेट यू, आई हेट योर कैरेक्टर, आई हेट योर एटीट्यूड। मैं एक ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती, इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम जानते हो हाल ही में शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ है। जहां मर्डर हुआ वहां एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है, वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रजिस्टर्ड है। सो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या हुआ ब्राउनी, भौंक क्यों रहे हो? बड़ों के सामने भौंकना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? काफी वफादार लग रहा है। चार दिन हड्डी डालकर पुचकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जीके जी, कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना, चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। और जब मुझे वो गाड़ी मिली, नंबर प्लेट मिसिंग थी। अरे नंबर प्लेट तो DGP साहब ले आए हैं। ऐसा क्या? दिखाओ तो, क्या ये वही है? AP9Z4737। अरे ये तो वही है। जीके जी, ये तो मिल गया, मेरा पेमेंट स्टेटमेंट देकर गाड़ी कब्जे में लीजिए। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। जब भी पुलिस वालों को अपने आसपास देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम फिर से सरी? I hate police. ये तो बस एक सैंपल है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसे हो अंकल? बड़े साहब बहुत अपसेट लग रहे हैं।
तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप, अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते। गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में गए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस ₹10,000 में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान निछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन हर घंटे हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है, जिससे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें पीछे धकेल कर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुँच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others. और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसी शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो। ये जो मर्डर केस है जानते हो किसका केस है? उस लड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा। ए, छोड़ो, छोड़ो मुझे। देखो भाग रही है। रुक, कहाँ जा रही है? सिहाड़ी, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी, कुछ बोलो शिवानी। वो हमारे हाथ से निकल गई यार। होश में आते ही शिवानी के पिता ने मुझे सारी बातें बताई। तब मुझे सच्चाई का पता चला। श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरेआम सड़क पर हुआ। आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज्जत को बचाते हुए वो मासूम बलि चढ़ा दी गई। वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है। क्या उस शैतान को माफ कर दिया जाए? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये केस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है, शिरविनी नाम की बच्ची का केस है। उसकी मौत के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। प्रेशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्शूंगा।
सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो श्रिवनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूंगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूंगा। सर, मेरी जान खतरे में है। श्रीकांत, लेट्स मूव। सर, बचा लीजिए सर। सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए सर। ए, तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा? ये असली पुलिस वाला है। एक बार इसे नोट दिखाओ ना, चुपचाप लेके पतली गली पकड़ेगा। ये ले उठा और निकल यहां से। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जा, उस बूढ़े को घसीट के ला। एसीपी हमें बाहर डालेगा भाई। भाई, एसीपी कल्याण। ओ, बदले बदले सुर। सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग गया। वो कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से ही था। पुलिस की सिंसियरिटी से मुजरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, ब्लडी फूल। ए, तेरा फरिश्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा। घाट का रास्ता हूँ, स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा। ए, तो मुझे जानता नहीं है। मेरा बायोडेटा सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरा और तेरे भाई की जिंदगी का आज आखिरी खुशी का दिन है, इसीलिए अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो। तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तो मीडिया के पास जा, धरना कर, रास्ता रोको, कर जो चाहे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा।
पुलिस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा। द वॉर बिगिंस। बोलो दुबे जी। वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लाए हैं सर। ए, कितना इंतजार करवाएगा? अब सर बेल पेपर्स। बेल तरीके से मांगनी चाहिए। दुबे जी। सर रिहा कीजिए उन्हें। आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो रहा सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की। तुम हमें फंसा रहे हो? ये क्या है सर? बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने? ये लीजिए पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए। ओके दुबे जी। यस सर। चल। अरे सर ये सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसआई और हवालदारों पर जानलेवा हमला किया। तुम हमें फंसा रहे हो? एसीपी तू अंदर सबको बुला के फंसा रहा है इसलिए। तेरे हर सवाल का जवाब हम बाहर से ही देंगे। Come on guys. Attention. Attack. ए ब्रर। ए तोड़ तोड़ सब तोड़ दो। मारो पत्थर। अरे ये बॉम्ब है रे। अरे मालूम है यार। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे पागल नहीं रे, ये पिन मैं रखता हूँ, ये बॉम्ब तो। ए एसीपी ये क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हो। तुम हमें फंसा रहे हो। हेलो होम मिनिस्टर लाइन पर है सर। चाहे होम मिनिस्टर हो सीएम हो मैटर एक ही है, जो अपने चेले चपाटे चमचों को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड लेकर 15 मिनट में यहाँ हाजिर हो जाए, तभी रिहा करूंगा इनको। उससे एक भी मिनट ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं का वॉचमैन हूँ। जीके। दुबे जी, जीके ने आज तक पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा। जी हाँ सर। देखो कैसे अगले 15 मिनट में यहाँ भागते हुए आता है। भलाई इसी में कि पुलिस स्टेशन में कदम रख लो राजा, नहीं तो फंस जाएंगे। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते प्यारे। राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ। मेरे बंदों को छोड़ जल्दी कर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आए हो, खातिरदारी होनी चाहिए। कॉफी टी? कॉफी टी कौन पीता है, हम तो यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठंडा क्वार्टर बाद में देखेंगे, है ना जी के? इज्जत अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो। उन सबको छोड़ दो। ठीक है सर। नहीं सर, हम बाहर नहीं आएंगे सर। साफ साइन करेंगे, उसके बाद ये सैल्यूट मारेंगे, फिर डंडे जूते शुरू हो जाएंगे। हमें बाहर नहीं आना। बाहर आ जाओ बेवकूफो। जिन्होंने कभी थाने का मुंह नहीं देखा वो खुद तुम्हें यहाँ छोड़ाने आए। यहाँ से चलो जी के, मैं आधे घंटे में इसके यहाँ से ट्रांसफर करवा देता हूँ। ये तेरे बाप के जीन्स की प्रॉब्लम है। मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गुंगी लड़की को मार डाला। उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसी बीच मैं अपने छोटे को पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठा दूं। पॉलिटिशियन क्या बला है तू जानता नहीं। पॉलिटिशियन क्या बला है तुझे अभी पता नहीं। पॉलिटिशियन यानी के हर रोज तुम जैसे सैकड़ों पुलिस वाले हमें सैल्यूट मारकर सलामी देते। पॉलिटिशियन यानी लीडर, उनका हर अल्फाज तुम्हारे लिए एक हुक्म है। पॉलिटिशियन यानी मजिशियन,
माया, माया रचते हम। और सुनो, इसे यहाँ से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने दो, हम खेल खेलेंगे इसके साथ। सीपी, तुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा। 1 week ट्राई करके दे। 1 week थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 दिन ही काफी है। जीके, आज तक तूने मुझ जैसे बर्दाश्त करने वाले ऑफिसर का सामना किया होगा, अब सामना कर मेरे बेटे का। गुड जॉब। थैंक यू सर। दीदी, मेरे होने वाले पति का ऑफिस यही है। हाँ, अचानक तुझ में ये बदलाव। अच्छे अच्छों को बदल देती है मोहब्बत। फिर चल। इस केस में सिर्फ एक ही गवाह हमारे पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो लड़की इस हादसे से घबरा कर ये शहर छोड़कर चली गई है सर। पता लगाने की कोशिश करो कहाँ रहती है वो। At any cost, we have to trace her. ऐसी कोई बात नहीं है लड्डू, तो मैं आज नहीं तो कल लेके आऊंगा। मेन बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए। क्या मैं डीजीपी से मिल सकती हूँ? वो मीटिंग में है बेंजी। और एसीपी साहब? अरे वो भी मीटिंग में है, मेरा दिमाग क्यों खा रही है, जाइए ना। हाँ बोलो। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है दीदी। हाँ हाँ वो तो मिल जाएगा। हेलो, हाँ डीजीपी मामा जी के ऑफिस में आई हूँ, वो प्रमोशन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। आप प्रमोशन के बारे में कुछ कह रही हैं? मैं ले आऊंगा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम, ये अंदर फैन क्यों चालू है? साहब, आपका ध्यान कहाँ है? अंदर फैन चालू है, जाकर फैन बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है। चलिए मैडम, चलिए चलिए, आप बहुत तरक्की करेंगे आपकी दया से। आइए। नमस्ते सर। कौन है ये मैडम? मामा जी नहीं है? बिजी भी तो नहीं है। छोटी बहन के सिलसिले में एसीपी से कुछ बात करना चाहती हूँ। इनकी छोटी बहन को पुलिस वाले से प्यार हो गया, लेकिन वो पुलिस वाला इन्हें टाइम नहीं दे रहा, इसलिए ये सर के पास कंप्लेंट दर्ज करने आई है। ये सर बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। लेके जाइए। अरे आपको समझ अकल बुद्धि कुछ है कि नहीं? कहीं भी किसी भी वक्त अपनी बहन को लेकर आ जाती है। बड़े साहब के सामने फंस जाते तो क्या होता अंजलि? डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है, तुम्हें मैं आज समझ पाई हूँ। श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके लिए फाइट कर रहे हो, ये सोचकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे लिए। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आई एम रेडी, रिपोर्टर की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह। हेलो। हेलो एसीपी, गुड इवनिंग। सुना है बाप बेटे दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, जल्दी से अपना टीवी ऑन करो। शिवानी का केस दोबारा सुर्खियों में, जिन्होंने उस बच्ची को मारा था वो तीनों पकड़े गए। वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। तू मेरे भाई को लॉकअप में बंद करवाने वाला है, लेकिन अब तू ही उसे सलूट मारेगा। अरे सीपी, फिर से अपना टीवी ऑन कर। सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को यूथ प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है। इसी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जीके के सहयोगी और पार्टी के नेताओं ने उन्हें इस बात की बधाई दी है। ऑन द वे टू द पार्लियामेंट, डे 2, शॉक नंबर 2। सुनो श्रीकांत, सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन भेज दो, उस मैडम का जल्द से जल्द पता लगाना है। तीनू, अपने साहब को देखो, 3 दिन में अरेस्ट करने का बोलकर आराम से लस्सी पी रहा है। सर, वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है। गुड। सुनो काशी, तुम हाई सिक्योरिटी लेकर इमीडिएटली उसे यहाँ पर लेकर आओ। गोविंदा गोविंदा, आपकी वो मैडम तिरुपति में छिपी थी ना डीजीपी साहब? तुम्हारे ऑफिसर्स वहां पहुंचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़ के हमारे लोगों ने उसे कब्जे में ले लिया। इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूंगा, फिर वो कभी गवाही नहीं देगी। अरे एसीपी, कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ। सुन बे जीके,
इंडिगो फ्लाइट। चल इसी बहाने तेरे 10 चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए, बट टोटल वेस्ट। वो लड़की मर्डर के वक्त मौकाए वारदात पर थी ही नहीं, इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी, मेन विटनेस नहीं। वो इंसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा, केस का मेन विटनेस मेरी हिफाजत में। ये क्या भक रहा है तू? तेरे आसपास कोई टीवी हो तो उसे जरा ऑन करके तो देख। टीवी ऑन कर। हाँ, अभी ऑन करता हूँ। चाहे मैं अपने इलाके में रहूँ, चाहे मैं तेरे इलाके में रहूँ, या फिर इस दुनिया में कहीं रहूँ, तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। क्या बात है, क्या डायलॉग दिया है। न्यूज चैनल लगा। श्रीवनी केस में एक नया मोड़, बहुत दिनों बाद ही सही, पर इस केस में प्रोग्रेस हुआ है। पुलिस ने इस केस के अहम गवाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो कौन है देखते हैं। वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। काव्या को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। उस वक्त तो मैं डर के मारे बता नहीं पाई, लेकिन एसीपी सर ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, इसलिए आज मैं बोल पा रही हूँ। उन शैतानों ने उसे जिंदा जला दिया। मालिक, आप इस मुसीबत से कैसे बचोगे? उसकी गवाही से आपका छोटा भाई फंस गया, अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढेंगे? और एक बात, आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है, और वो हीरोइन। तेरा भाई इस वक्त पार्लियामेंट की ओर नहीं जा रहा। There's a diversion on the way to central jail. तेरी 3 दिनों की मोहलत में 1 घंटा बाकी है। आने वाले 60 मिनटों में इस शहर से तेरा साम्राज्य तबाह कर दूंगा। Get ready. यहाँ तो लॉक है सर। वसीम, ओल्ड सिटी का शेर। क्या रे, बहुत होशियारी दिखा रहा आजकल शहर में। मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में? अगर है तो 10 मिनट में पुरानी बादशाह बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा। आकर दिखा अपनी मर्दानगी। सोच, कोई कोना मत छोड़ना। एसीपी, कोई बीच में आ तो मत छोड़ना। अरे मार क्यों रहा है? मुझसे बात कर। डू इट फास्ट। सर, मिल गया सर। चल। भाई, मेरा बेटा। ये मेरा इलाका है, तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मारो साले को। औज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن من أكبر الأسامي أنو عياد المذنبين لا يكفر له لهم वसीम भाई, कुरान पवित्र ग्रंथ है, इन आयतों का मतलब समझते हो तुम? गुनहगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है, गुनाह का साथ देने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। शाबाश बेटा। We'll be right back.
जेबी जी मैं ये कह रहा, सामने वाला पूछा है कि पैसे कहाँ पहुँचाऊँ। ठीक है रुक जा, क्या पैसे की बात कर रहा है? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे मिनिस्टर है ना सेंटर में, भूल गया पुलिस वालों को कैसे मार मार के यहाँ से भगाया है? इस एसीपी को भी देख लेंगे। डिस्काउंट अभी बंद हो जाएगा। अरे सरकार की गोली नहीं निकल रहा और कुछ। तेरी ये जुर्रत, फर्स्ट टाइम तेरे घर में पुलिस की एंट्री हुई है जीके, धमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रहेगा? एमपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है तू, पता है कितना बड़ा क्राइम है? अच्छा, वर्दी वाले को अब तू कानून सिखाएगा? दुबे जी, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, ऑफिसर कल्याण जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आए तो जीके के आदमियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था इसलिए उन्होंने काउंटर फायरिंग की। अच्छा, हाँ। गलत आदमी से पंगा लेने आए थे हम लोग। नॉन बेलेबल वॉरंट। यहाँ सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं। बताइए डॉक्टर्स, ये बच्चा अपने आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इंटरनल सेरिब्रल हेमरेज हो गया। अब इसकी बॉडी जिंदा लाश हो चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है इसलिए कोर्ट से परमिशन भी लेकर आया हूँ, चाहे तो देख भी सकते हैं। इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट एमिरेट्स। दुबे जी, पेट्रोल क्यों डाल रहा है उस पर? घबरा क्यों रहा है जीके? आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ। Where science fails, आयुर्वेदा works better। क्या कहते हो डॉक्टर? आपने सही कहा। मैच बॉक्स होगा? We are doctors, लाइटर रखते हैं। अरे? ए? नानू? सर, आपका आइडिया काम कर गया सर, लाइटर की आवाज से इसके हाथ हिल रहे हैं। देखते जाओ दुबे जी, पूरी बॉडी उठ के दौड़ने लगेगी। भैया भैया आग बुझाओ, पानी लाओ। एसीपी, जोर से छोड़ना नहीं, और मार। उस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीके को पूरी फिल्म दिखा रहा है। दिखा। जेपी जी, मुझे याद कर रहा है। क्या हुआ बच्चे, काम हो गया क्या? अभी आया। गांव से कब आए? बताता हूँ, बाजू के घर में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया था तो आया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखा ना, तो हाय बाय करने आ गया। अब आगे क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं है, गायब होना है। क्या भौंक रहा था तू कि पॉलिटिशियन किंग है, किंग कॉन्ग है, पुलिस क्या है अब मैं बताऊं? पुलिस मतलब पावर, हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है। पुलिस मतलब डर, जो इसकी आंखों में दिख रहा है। पुलिस मतलब गुरूर, जो मेरी रगों में बहता है। उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुत्ते को उसकी कब्र तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लूंगा। मुकर्रर किए हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, चाहे तू पैसों का सहारा ले, अपने चमचों का सहारा ले, भगवान के आगे हाथ जोड़ घुटने टेक और भीख मांग, वो तेरी मदद करे तब भी।
इसे सजा होकर रहेगी। तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा। जीके, मामूली इंसान के खून में भी चिंगारी होती है, और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वालामुखी। ये क्या सर, अचानक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी आपने? पुलिस की पावर क्या होती है, जीके को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। दिस इज फॉर माई सन। जानू, ये सच में पुलिस की पार्टी है? यूनिफॉर्म में अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ, सबको लगेगा थाने से डायरेक्ट आ रहे हो। क्या सर, थाने से डायरेक्ट आ रहे हो? आपने देखा, अब चलो। सर जी, ये यहाँ क्या? एसीपी जी, बहुत मेहनत से साड़ी पहनी है, लाइक या कमेंट नहीं करोगे क्या? दुबे जी, मैडम की साड़ी बहुत अच्छी है। ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छी चीज हर कोई पसंद करता है, इसीलिए मैंने शेयर किया। ओके, तो फिर हमारी बात तुम्हारे डैडी से भी शेयर करो। ए माही, एक्सक्यूज मी सर, यू टीवी रिपोर्टर? ओ, शिवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। गुड, तुम्हारा सपोर्ट इसे बहुत काम आया। वाइफ और हस्बैंड बन जाएंगे, फिर और भी सपोर्ट करूंगी। What? ये कह रही है कि प्रेस और पुलिस के संबंध हस्बैंड वाइफ जैसे ही होते हैं। चलो सर, आपने खाना खाया? वो वाला डायलॉग दीजिए ना, जिसको देखकर पूरी दुनिया थरथर कांपती, पता है वो कौन होता है? पुलिस। एक्सक्यूज मी, ये कौन? मेरे पति हैं। यहाँ कोई सीरियल का प्रोड्यूसर भी आया है क्या? वो उनका साइड बिजनेस है सर, ये प्रोफेशनल है। ये झूठा पुलिस वाला है क्या? ये सचमुच के पुलिस है। ये पुलिस में है तो हमारे पास कंप्लेंट लिखवाने क्यों आई थी? वो इनके कहने पर। किस जोन में है? ईस्टर्न एक्सप्रेस। जोन का नाम पूछा तो ये ट्रेन का नाम बता रहा है। कंफ्यूज है सर, ईस्ट जोन। डेजिग्नेशन क्या है? अरे क्या मेरी तरफ देख रहे हो? अरे तुमने शादी की है ना, तो तुम बताओ ना। डीसीपी है, ईस्ट जोन डीसीपी। ईस्ट जोन का डीसीपी तो मैं हूँ। अरे भाई, मेरा ट्रांसफर कब हुआ? पार्टी में आओ ना, पार्टी में आओ, जाओ वहाँ पे सांभर बटा है, जाके ले लो। पता नहीं क्या हो रहा है। सांभर के पापा। शुक्रिया बेटा, मुझे पापा कहकर बुलाने में तुझे फक्र भले ही ना हो, लेकिन जब तुझे बेटा पुकारूंगा तो मुझे बहुत फक्र होगा। आई एम सॉरी बेटा। नहीं पापा, आपकी और आपके वर्दी की अहमियत को अब मैं समझ गया हूं। मालिक, शेर का निशान छप गया है, मैं उतना हिस्सा निकाल कर सीमेंट भर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वहाँ वॉलपेपर लगाया और लाइट ऑन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे। देख, पूरी पब्लिक हमें सुन रही है, शोर सुनाई दे रहा है, उन्हें सच्चाई ना पता। सच्चाई सबको पता है, कब तक छिपाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा, और तिल सीमेंट लगा दूंगा, पेपर चिपका दूंगा, ये जरूरी है। अब क्या करें? यूथ लीडर सलाखों के पीछे है, तो यूथ साइलेंट क्यों है? हमारे जितने भी यूनियन लीडर्स हैं उनके हाथ में मशाल दे दो, पूरा शहर जलना चाहिए। किसी को मत छोड़ना। दुबे जी, माय डियर स्टूडेंट्स, मेहरबानी करके रास्ता खाली कीजिए, आपके सामने आपका भविष्य पड़ा है, जीके की बातों में आकर उसे बर्बाद मत कीजिए। तुम हमारे भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो साहब? आधे घंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। जीके के भाई को नहीं छोड़ा तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लूंगा। हम ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस, गो बैक, 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 हमें अरेस्ट क्यों किया सर? हम इज्जतदार लोग हैं, कोई गुनाह नहीं किया हमने। जवाब क्यों नहीं देते सर? सिटीजंस गलती करें तो गलती पुलिस की है, स्टूडेंट्स गलती करें तो गलती टीचर्स की है, जब बच्चे गलती करें तो गलती पेरेंट्स की।
हमारे बच्चे आप चुप रहिए, अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें, हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकते। बहुत भरोसा है बच्चों पर। लाइव देखिए। जीके हमारा पिता है। तो फिर मैं कौन हूँ? जीके का भाई, जब तक रिया नहीं होता तब तक कॉलेज नहीं, एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, अगर जीके के भाई को एक खरोच भी आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या साहब, अपनी ड्यूटी भूलकर पिकनिक मनाने आए हो क्या? लगता है हमसे डरकर सीआरपीएफ लेकर आए हैं। जो आए हैं वो सीआरपीएफ नहीं, एमआरपीएफ हैं। हैं? मदर्स रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स। माँ, माय डियर मदर्स, टेक पोजीशन, अटैक। दुबे जी, चलिए कैरम खेलते हैं। माओ को अपना काम करने तो हम यहाँ खेलते हैं। हमारा गलती करने के लिए एग्जाम कब है? 5 तारीख को है। ओके, टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, टेल मी हाउ डज द प्रोसेसर वर्क, व्हाट इज इंडक्शन। पढ़ाई तो कर ही रही है, आयो बड़ा झंडा उठाने। हमने हमारा नाम रोशन करेगा कि हमारा नाम दुबारा है। आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? सीरियल वाली माँ का लुक लेकर क्यों डरा रही हो माँ? आपको देख के मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है माँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ माँ, चाहो तो सजा दे दो माँ। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, माफ कर दो माँ, माफ कर दो। नौटंकी अच्छी है बेटा। अगर आपकी माँ होती तो आपकी भी इसी तरह कुटाई करती। सर आप इन माओं को कब रुके? स्वच्छ भारत की तरह बच्चों का मन भी तो स्वच्छ हो जाए। जो तक तुम लोगों में अकल नहीं आती, सलाखों के पीछे ही रहो। सर सब साफ हो गया। थैंक यू माँ जी। हेलो, लाइव टेलीकास्ट कैसा लगा मिस्टर जीके? तेरे पास अब भी 2 दिन का वक्त है, ऑल द बेस्ट। वो पुलिस वाला शिकंजा कसता जा रहा है भाई। मालिक, फेसबुक के कल्याण का फोटो आया, आप बोलो तो उसे लाइक करूं क्या? जीके के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये वैन उसके घर की ओर बढ़ रही है।
अभी मौका है 801 की सर्विस से बच लो। निकल लो चुपचाप। नहीं गए तो ऑडियो प्ले करना जरा। पाठाय प्रतिबोधिताम भगवताना। इस शहर का वन मैन शो लोगों को पुलिस पर विश्वास दिला रहे हैं ACP कल्याण। शिवानी को इंसाफ दिलाकर ACP कल्याण जनता की नजर में हीरो बन गए हैं। ACP कल्याण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस का पावर क्या है वो दिखा दिया। जीके के उसने पसीने छुड़ा दिए। जीके को इस्तीफा दे देना चाहिए। मालिक मालिक, आप ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहोगे, इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। आप ही सेफ रहोगे, टूरिस्ट वाला लाइन पे। ACP ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है। बची खुची कसर तू पूरी कर रहा है। हेलो टूरिस्ट वाले अंकल, मालिक कहीं नहीं जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहीं पे मरेंगे। मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो वो ACP। ठीक है। और उसके साथ मरेगा उसका पूरा खानदान। ठीक है राजा जी। के राजा, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, केस बहुत आगे निकल गया है, सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। उस दिन मेरी बात सुनता तो ऐसा नहीं होता ना। अब क्या किया जा सकता है बताओ। अगर ये मैटर सेंटर तक पहुंच गया तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। ये बताने के लिए तो यहाँ आया विश्वासघाती कुत्ते। मारा क्यों? मैं विश्वासघात करने वाला कुत्ता हूँ? अरे तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दरवाजे तक आए तो मैंने तुझे समझाया था ना, कहा था कि उसे सॉरी बोल दे, लेकिन तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब अपनी बात छुपाने के लिए तू मुझे विश्वासघाती कह रहा है, तो अब मैं वही करूंगा। तेरे भाई ने एक लड़की का खून किया, उसके बाप को भी मरवाने की कोशिश की। मैंने किसी तरह कानून को समझाकर उस मामले को ठंडा किया, लेकिन तूने क्या किया, कानून को फुटबॉल बनाकर उससे खेला। तुझे क्या फुटबॉल में गोल्ड मेडल चाहिए था मेरे भाई? कल का भविष्य क्या होगा मेरी जबानी सुन। सामने वाले की विजय, गुरूर की हार, शैतान का नाश। भगवान जालिम को तब तक ढील देता है जहाँ तक उसकी हद होती है, फिर जब शिकंजा कसता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है उसका। तू पिता तो चढ़ती नहीं है ना, स्टिल मुझे चढ़ती है। स्टिल तूने मुझे विश्वासघाती कहा, इसलिए ना समझ मर, अपने घमंड में मर, मैं तो चला। भाई उस विटनेस का एड्रेस मिल चुका है। मैं मेरी बात तो सुनो। आज तुम्हारे डैडी से हमारी शादी की बात करके ही रहूंगी। कुछ दिन और रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगी। हेलो अंकल। आओ बेटी, बिल्कुल सही समय पर आई हो, तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। क्या है अंकल? मैंने अपने लिए एक बहू ढूंढ ली है। नाइस डिसीजन। वो कौन है अंकल? हमारे काशी सर की बेटी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। इनकी बेटी क्या करती है सर? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। भाई रघु, क्या मेरा काशी सर के पास घुमाना जरा। अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल कुचलने वाले कमिश्नर काशी विश्वनाथ दुबे जी के मुताबिक ये गांजा का धंधा, ड्रग्स माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लैंड ग्रैबिंग और भी बहुत। बंद करो यार। सुनो बेटिया, मेरा करियर मत बिगाड़ो, ये तो यूं ही मजाक कर रहे हैं। विटनेस को कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश करेंगे सर। गुड। तुम माही को फॉलो करो, मैं इस तरफ जाता हूं। गर्लफ्रेंड मिल गई ये सोचकर ज्यादा खुश मत हो। ये बता दूं कि तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने। इट्स अ ट्रैप। मैं अपने भाई को वक्त रहते बाहर निकाल लूंगा। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस केस का तेरा वो प्राइम आई विटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाप, उन दोनों को मार दूंगा। नहीं। ए, टाइम वेस्ट मत कर, हमारे बीच फासला बहुत ज्यादा है। आ जा। अरे लगता तेरा डैड यहाँ आ गया। आके उसकी बॉडी ले जा। सर।
सर बचाओ सर। दुबे, पापा का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ। सर 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 इधर हूँ मैं सर 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 मुझे बचा लो सर 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 सर। सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं। अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाए। अरे बेवकूफ, मेरा बेटा मुझसे 10 गुना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। अभी तू चाहे मुझे मार दे, लेकिन वो आएगा और तुझे जहन्नुम पहुंचाएगा। फिर ये तेरे पाप का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पापा पापा सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मिनिस्टर सपोर्ट करता है। आप लोग तो चारों तरफ घूमते हैं, आपको तो इस बात की सच्चाई पूरी तरह से पता ही होगी ना। डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे कोहिनूर हो या डीजीपी हो, दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है। जय हिंद। जीके और उसके फ्रेंड्स को बेल मिल गई है और वो जेल से रिहा हो गए। सुजान B6 न्यूज। श्रीवनी के केस में जो गुंडे अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गए हैं। दुबे, ट्रेन ऑन टाइम है ना? सर, इस ट्रैक पर ट्रेन कभी कभार लेट आती है, लेकिन उस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन राइट टाइम पर आती है सर। शिफ्ट कर दो। छुक 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 छुक। सर, पैसेंजर ट्रेन इन्हें देखकर हॉल्ट ले सकती है। हाँ सर, लेकिन वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन कभी हॉल्ट ही नहीं लेती। शिफ्ट। छुक 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 छुक। अबे ट्रेन नहीं, वो मौत आ रही है। चल टीवी ऑन करने का टाइम हो गया। जीके, आज सुबह ही जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। वो दोनों ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उन्हें उड़ा दिया। Only 3 hours to finish him. दुबे जी, ट्रक तैयार है। दोनों को मारने के लिए तैयार है। छोटू पुरी को चल अंदर, अंदर चल।
आपको चश्मदीद गवाह से मिलना है, आइए। एक्सीडेंट को आपने लाइव देखा क्या? आधे घंटे पहले ही देखा है। क्या देखा? एक बूढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोककर ब्रांडी पीते हुए देखा है। अरे बड़ी ईमानदारी से क्वार्टर लेके घर पे जाके पीता हूँ और ये तो हाईवे पे फुल बॉटल पी रहे हैं। हाउ डेयर यू आर। इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते हो? पब्लिक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव यार। तुम्हारे दो आदमी तो गए। इनके पास तो ड्राइवर है बे। ड्राइव करते हुए कैसे मरेंगे? तो ऐसी भी नहीं ना, मारने के लिए ही सारा ना चक्कर चल। तमन्ना को देखना है तो आ जाओ। तमन्ना अरे हमें भी देखना है। ए तमन्ना ये भी तमन्ना। हां अरे सब भी देखेंगे। अरे तमन्ना आने वाली है। क्या बात है। आप लोगों को चश्मदीद गवाह से ही मिलना है ना? सर आप तो एमएस तमन, तमन्ना का फैन। पब्लिक सड़क पे हुए हादसे को तमन्ना की पब्लिसिटी स्टंट मानते हो? व्हाट इज दिस यार, वेयर आर यू गोइंग? वो देखो बुरे काम का बुरा नतीजा। इट्स पेनिंग यार, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट बेगिंग, तमन्ना का नाम बदनाम मत करो। शी इज सो सेंसिटिव यार, सीरियसली। प्यारे जो सीरियल किलिंग हो रही है उसकी मिस्ट्री क्या है? पुलिस वालों के इस एक्शन से पॉलिटिशियंस में घबराहट शुरू हो गई। होगी ना, तुम जिन्हें मार रहे हो बहुत बड़े लोग हैं। आप तो जानते ही हैं, उनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। तुम्हारी ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम भी लिखा है क्या? वो तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी जान गंवा कर परफॉर्मेंस दूंगा क्या? खून निकाल दिया। तुम सब लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, तो फिर म्युनिसिपैलिटी के वर्कर की तरह मुझ पर क्यों टूट पड़े? मैं कैसा हूँ क्या? दोनों मॉडल्स देखकर लगता है कि ये पुलिस की साजिश है। किसी की मौत कोई न कोई बहाना लेकर आती है। मतलब आप इस बात को मानते हैं? आपका मतलब ये बात सच है? सच बताने से डरते हैं क्या? मेरे प्रेस वाले साथियों, मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ उस वक्त मैं एक आइटम करता हूँ, ये राज्य की सारी जनता जानती है, आप लोगों को नहीं पता? वो क्या है सर? क्या सर? जय हो मेरे दुश्मनों पर आंसू गैस स्प्रे की जाए। आंसू तेरा अगला टारगेट मैं हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। श्रीवनी केस का हर एक गवाह दुनिया छोड़कर परलोक सिधार गया है, इसलिए तेरी जगह तेरे एक चेले को तैयार कर ले। याद रहे वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो। कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं। एक घंटे में मैं दिल्ली पहुँचूंगा, वहाँ से मेरा गया हुआ पावर लेकर आऊंगा और तुझे जिंदा काटूंगा। फ्लाइट कितने बजे की है? 10 बजे की। मालिक तुझे क्या लगता है मुझे बातों में उलझा कर मेरा लोकेशन ट्रेस कर लेगा? अरे ये एयरपोर्ट की जगह हम कहाँ आ गए? रूट गलत है, रूट गलत है, हम दोनों ने आपको बताया। अब भुगतो। कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं, तेरी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी थी? उसे देखा था क्या? चल कोई नहीं, अभी देख ले। I hate police. तेरे सिक्योरिटी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बम्पर ऑफर दिया था, सभी ऑफिसर्स रेडी हो गए, लेकिन कोइंसिडेंटली लॉटरी मेरी लगी। मैं भी अपनी सेफ्टी अपने साथ रखता हूँ। मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका सामना करना, आई टू आई, फेस टू फेस, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। तेरे भाई की मौत तय हो चुकी है। Stop!
नहीं, नहीं। तुमको सुनाम स्टार सुभाष, तुम्हारी डेथ का विटनेस हूँ मैं। लेकिन मैं मरा कहाँ हूँ? अच्छा, तो मर जाओगे। सर एक बार इससे बुलवाइए, I love police, तब मुझे सुकून मिलेगा। एक बार नहीं, बार बार बोलूंगा I love police, I love police। But I hate criminals। Officers ready, fire!